कांग्रेस बहुत बड़ा चूर है और बेईमान है, ठग है। गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में रहते हुए एक आदमी को जरूर देखे होंगे जो हाथ में तिरंगा लिया रहता है और आर्मी के ड्रेस पहने रहते हैं, जो भारत की नीतियों के बारे में बताते हैं। तो अभी मैं जा रहा था, मेरे को रास्ते में मिल गए, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं कि आज नहीं करीब मैं इनको देख रहा हूँ 10-12 सालों से, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब से मैं इनको देख रहा हूँ। कुछ इस तरह ही वही जुनून, वही देशभक्ति का जुनून, हाथ में तिरंगा और एक मशीन गन टाइप में बना के रहते हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर इनके हाथ में देख सकते हैं आप तिरंगा है, त्रिशूल है, और ये एक नहीं बल्कि 10-12 सालों से गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास एरिया में रहते हैं। 35 इनका 35 साल हो गई और हाथ में तिरंगा है, आर्मी के पूरी ड्रेस लिए हैं। तो आप ऐसा क्यों रहते हैं, इसका क्या रीजन है? मेरा मतलब कहने का मतलब ये, मैं भारत को महान बनाना चाहता हूँ। जैसे कहने का मतलब नेता ही देश को बिगाड़ते हैं, नेता ही देश को मिटा देते हैं। जैसे कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस बहुत बड़ा चूर है और बेईमान है, ठग है। कहने का मतलब ये है बाबू कि कांग्रेस के एक जुनून था कि आज हिंदुस्तान में, भारत में लोग सभी लोग हैं। कहने का मतलब कि जब इंदिरा गांधी जी थी तो देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी करी। तो कहीं ना कहीं आप सरकार की नीतियों से नाराज हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जो सरकारी सिस्टम खत्म हो रहे हैं, तो इसके बारे में पूछ कहना चाहते हैं। मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, जो सरकारी सिस्टम खत्म हो रहे हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी इसका उद्देश्य खुद है, मुझे और कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदुस्तान के पीछे नहीं करना चाहिए कभी भी। देखिए, जुनून और जज्बा कुछ इस तरह है कि आप उम्र के इस पड़ाव में, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल। सर का उम्र 70 साल है और लगभग मैं 10-12 सालों से इनको देख रहा हूँ इसी जोश और जुनून के साथ। एक हाथ में तिरंगा रहता है और प्रतीक आत्मक ये बंदूक साथ में लेकर चलते हैं, और जो भारत सरकार है, जो देश महान है, जो अपने भारत है, उसके प्रति, उसकी नीतियों के बारे में लोगों को बताते हैं। तो सबसे आप बताइए दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैंने मीडिया वाले से इंटरव्यू भी दिया, मनीष कश्यप से मैंने इंटरव्यू दिया, गोरखपुर की लेडीज और जेंट्स थी उनसे भी मैंने इंटरव्यू दिया, कई बार मुझे इंटरव्यू देते हुए हो चुका है। मैं रिटायर होने का मतलब यही बात। कुल मिलाकर कहना ये है कि दादा यही चाहते हैं जो अपना देश है, भारत देश है, वो निरंतर प्रगति की तरफ बढ़े। लेकिन उसका सबसे बड़ी सवाल, जब आप हरदम हाथ में तिरंगा लेकर और गोरखपुर के एरिया में घूमते रहते हैं, तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है, किस तरह खर्चा? इसलिए चलता है, यहाँ पब्लिक मुझे ये ध्वज देख के मुझे सेवा, और कोई आवश्यकता नहीं। मैं किसी से पैसे भी नहीं मांगता कि चलूँ मैं दुकान दुकान पैसे मांगूँ, ये मेरा असूल। अगर मैं शॉर्ट भाषा में पूछना चाहूँ कि आपके इस तरह आर्मी के ड्रेस और तिरंगा लेकर चलने का मेन उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि मैं, मेरे कहने का मतलब यही है कि भारत महान बनाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भारत हर गरीब इंसान अच्छा से रहे और अच्छा व्यवहार से उसका पालन पोषण हो, और महंगाई चरण की सीमा पहुँच गई, इसके बारे में कोई आज तक सोच नहीं। मतलब कुल मिलाकर कहना है कि जो अपनी भारत देश है उसको अच्छे से चलने में, जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक सबकी सहायता किया जाए, तो ये बाबा का संकल्प है। और ये और पढ़े लिखे बच्चे रोड में कहानी कर रहे हैं, अपनी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, नौकरी नहीं है तो क्या करें, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है जो सरकारी नौकरी करते हैं। तो कुछ इस तरह भारत की उद्देश्यों को लेकर ये सर 10-12 सालों से गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास एरिया में चल रहे हैं, जिससे भारत के प्रति लोगों को जागरूक हो। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। यदि आप गोरखपुर से हैं और गोरखपुर के आसपास में इनको जरूर देखे होंगे, तो सर के बातों से आप कितने मोटिवेट हुए हैं और किस तरह अपने देश की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए, ये जरूर बताइएगा।